हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आई क्लास 12 फिजिक्स वैद्युत क्षेत्र एनसीईआरटी के आर प्रॉब्लम, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 सेज दैट वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखे दो आवेशित गोलों पर क्रमशः 2×10⁻¹ कूलम तथा 3×10⁻¹ कूलम आवेश है, उनके बीच कितना बल है? आइए देखिए इनका सॉल्यूशन, ठीक है। इनका कहना क्या है, वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखे दो छोटे आवेशित गोलों पर क्रमशः 2×10⁻¹ तथा 3×10⁻¹ आवेश है। ये मान लीजिएगा दो छोटे गोले हैं, ठीक है। अच्छा, इस गोले का आवेश Q1 बराबर कितना दिया हुआ है, 2×10⁻¹ कूलम, और इस गोले का आवेश दिया है Q2 इक्वल टू 3×10⁻¹ कूलम, और इन दोनों के बीच की जो दूरी है ये कितना है, 30 सेंटीमीटर, ठीक है। कितना है, 30 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे क्या गिवन है, Q1 इक्वल टू 2×10⁻¹ कूलम और Q2 इक्वल टू 3×10⁻¹ कूलम, और इनके बीच की दूरी कितना दिया है, R इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर है, इसको हम लोग मीटर में बदलेंगे तो क्या करेंगे, 100 से भाग कर देंगे, ठीक है। 100 से भाग कर देंगे, ये आपका मीटर हो गया, ठीक है। और इसमें ये जीरो से जीरो कट गया, भाग हम लोग करेंगे, आएगा 0.3, आपका आ गया मीटर आ गया, ठीक है। अब इनके बीच लगने वाला बल आपको ज्ञात करना है, मतलब आपको एफ ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, कूलाम का नियम लगा देंगे। कूलाम का नियम क्या है, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण व प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात एफ इक्वल टू 1/4πε₀ और ये आपका Q1 Q2/r², ठीक है। अब आप देखो इसका मान हम लोग जानते हैं, यहाँ पे चूंकि 1/4πε₀ का मान 9×10⁻¹ होता है, ये वैल्यू यहाँ पे हम लोग कीप कर देंगे, कितना होगा 9×10⁻¹। Q1 की वैल्यू यहाँ पर कितना है, 2×10⁻¹⁷×3×10⁻¹⁷, इनका अपान R की वैल्यू देखिएगा कितना दिया हुआ है, R की वैल्यू है यहाँ पे 0.3, तो 0.3 आप होल स्क्वायर, राइट। यहाँ पे आप देखिएगा क्या करोगे, आप 3 का 2 में मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये आपका हो गया 9×6 और ये आपका -7 और -7, समान चिन्ह वाले संख्याएं आपस में जुड़ जाते हैं, तो ये आपका कितना होगा 10⁻¹⁴ और ये प्लस आपका 9 ऐड हो जाएगा, और ये इनका आप स्क्वायर करोगे तो आएगा 0.0, कितना आएगा 0.09, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 14 में से 9 माइनस, देखिए ये आपका क्या मिला, एफ इक्वल टू 9×6×10⁻¹⁴ इसमें से ये माइनस होगा, आपको क्या मिलेगा एफ इक्वल टू, और ये आपका हो गया 9×6×, और ये 14 में से 9 माइनस होगा, कितना आएगा 10⁻¹⁵, और इनका अपान ये आपका है 0.09। तो इनको हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, डेसिमल यहां से हटा देंगे तो ये आपका हो जाएगा 9×10⁻¹2, ये 9 से 9 हो गया कैंसिल, और 10⁻¹2 को हम लोग ऊपर ले जाएंगे
तो ये आपका आएगा 6 × 10⁻¹ × 10⁻²। क्या मिलेगा? 6 × 10⁻²। −5 + 2 और ये 6 × 10⁻³। ठीक है, क्या आ गया? इसका यूनिट क्या होगा, मात्रक क्या होगा? न्यूटन। ठीक है, तो ये देखिए इनके बीच कितना बल लगेगा, इनके बीच लगेगा 6 × 10⁻³। ठीक है, देखिए आई होप आप समझ गए होंगे। आपको कोई भी डाउट होता है तो कमेंट के माध्यम से और मैसेज कीजिएगा, राइट। ये क्वेश्चन नंबर 2 आपका दिया है, 0.4 माइक्रोकूलम आवेश के किसी छोटे गोले पर किसी अन्य छोटे आवेशित गोले के कारण वायु में 0.2 न्यूटन बल लगता है। फिर इनका कहना है यदि दूसरे गोले पर 0.8 माइक्रोकूलम आवेश हो तो ए दोनों गोलों के बीच की बीच कितनी दूरी है, यह आपको ज्ञात करना है। फिर इनका कहना है दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल लगता है। ठीक है, ये देखिए यहां पे आपका ये Q1 का मान कितना दिया हुआ है, 0.4 माइक्रोकूलम। ठीक है, अच्छा ये पहला गोले, पहले गोले पर आवेश है और दूसरे गोले पर आवेश इन्होंने कितना दिया है, Q2 = 0.8 माइक्रोकूलम। ठीक, ये जो आपका माइक्रोकूलम दिया है, माइक्रोकूलम को हम लोग कूलम में बदल लेंगे तो 0.4 और इंटू 1 माइक्रोकूलम बराबर होता है 10⁻¹ कूलम। ठीक, यहां पर एक प्लेस के बाद डेसिमल है, इनको हम लोग लिख सकते हैं 4 × 10⁻¹। ठीक है, और ये आपका कितना हो जाएगा, 10⁻⁶ आपका 6 हो गया। तो ये दोनों, इन दोनों के पावर क्या होंगे, इन दोनों के पावर ऐड हो जाएंगे, कितना आएगा 10⁻⁷ कूलम, ये आपका आ गया। अब यहां देखिए Q2 का मान 0.8 माइक्रोकूलम दिया है, इनको भी हम लोग क्या करेंगे, कूलम में बदल लेंगे तो 0.8 इंटू कितना हो जाएगा, 10⁻⁶ कूलम, और एक प्लेस के बाद डेसिमल है तो ये आपका कितना हो जाएगा, 8 × 10⁻¹ × 10⁻⁶ और इक्वल टू आपका आएगा 8 × ये समान चिन्ह वाली संख्याएं आपस में जुड़ जाते हैं तो कितना होगा, 10⁻⁷ कूलम। ठीक है, अच्छा इनके बीच जो बल लगता है ये F का मान इन्होंने कितना दिया है, 0.2 न्यूटन इन्होंने दिया है और इनके बीच की जो दूरी है यही हमें ज्ञात करना है, R ये ज्ञात करना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, कूलाम का नियम लगा देंगे, कूलाम के नियम से, और कूलाम का नियम आप सभी लोग जानते हैं, F = 1/4πε₀ Q1 Q2 अपान क्या होगा, R²। ठीक है, यहां हम लोग को R का मान निकालना है तो R² = कितना होगा, 1/4πε₀ और ये आपका होगा Q1 Q2 / F, राइट। यहाँ पे 1/4πε₀ का मान आप सभी जानते हैं कितना होता है, 9 × 10⁹, इसका मान रख दिया गया और यहां से Q1 का मान कितना है, 4 × ये आपका होगा 4 × 10⁻¹, Q2 का मान कितना है, 8 ये आपका होगा 8 × 10⁻¹, इस पूरे का अपान F की वैल्यू कितना है, 0.2, तो ये आपका हो गया 0.2। ठीक है, यहाँ पे देखिए इन सब का हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे इनका मल्टीप्लाई करिए, ये आपका हो गया, ये 9 हो जाए आपका हो गया 36। ठीक है, ये आपका हो गया 36, इन दोनों का जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, और ये आपका 8 हो गया। ठीक है, तो इनका इनका भी मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना होगा, 8 × 6 = 48 और 8 × 3 = 24 और 4 कितना होगा, 28, ये आपका आ गया 288 और ये इन दोनों के पावर ऐड हो जाएंगे,
कितना आएगा माइनस 14 और ये आपका 9 ऐड हो जाएगा इनका अपान, ये आपका देखिएगा 0.2 है, डेसिमल हटा देंगे तो ये आपका -1 हो गया। ठीक है, यहाँ पे आप देखो इनको इनको कैंसिल कर दीजिए, आ गया 144 आ गया, तो ये आपको मिला 144 और ये आप 14 में से 9 माइनस होगा, कितना आएगा 10 to the power -5 और ये आपका ऊपर आ गया 10 to the power 1 हो गया। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे क्या मिलेगा, आर स्क्वायर इक्वल टू 144 इंटू और ये आपका पावर कितना है 10 का पावर -5 और 10 का पावर 1, कितना हो जाएगा 10 का पावर -5 + 1, ये मिलेगा आपको 144 इंटू 10 to the power -4 आपका कितना हो गया 4। ठीक है, अब आप देखो यहां पे ये आर स्क्वायर की वैल्यू निकला। ठीक है, इनको हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ये R इक्वल टू अंडर द रूट और ये आपका होगा 144 इंटू 10 to the power -4 कितना आ गया 4 आ गया। ठीक है, और इनका स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 12 और इसका स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा -2 आपका आ गया। ठीक है, ये आपका निकला किसमें निकला, ये आपका मीटर में निकला और इनको हम लोग लिख सकते हैं 12 और ये आपका हो गया सेंटीमीटर। ठीक है, तो दोनों गोलों के बीच की दूरी कितनी है, दोनों गोलों के बीच की दूरी कितना है 12 सेंटीमीटर। ठीक, तो ये तो पहले का आपका सॉल्यूशन हो गया। अब आइए इनका कहना क्या है, दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल लगेगा, ये दूसरा पार्ट आपका दिया हुआ है, दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल लगेगा। ठीक है, ये दोनों गोले, एक गोला ये एक गोला ये, ठीक है, तो दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण, ये आपका दूसरा गोला है यानी पहले गोले को दूसरे गोले पर क्या किया जाता है, आवेशित किया जाता है, तो ये दोनों क्या करेंगे समान बल लगाएंगे, यानी ए के द्वारा, ये मान लीजिएगा ए और ये बी है, तो ए के द्वारा बी पर जो बल लगेगा वो आपका एफ ए बी लगेगा और बी के द्वारा ए पर जो बल लगेगा वो आपका क्या होगा एफ पी ए होगा। ठीक है, तो दोनों बल एक दूसरे पर क्या करेंगे, दोनों गोले एक दूसरे पर क्या करेंगे समान बल लगाएंगे लेकिन एक दूसरे के विपरीत दिशा में, यानी ये आपका क्या होगा एफ ए बी इक्वल टू माइनस आपका एफ बी ए। ठीक है, तो चूंकि दोनों गोले एक दूसरे पर समान बल लगाते हैं, इसलिए दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण लगने वाला बल F बराबर कितना होगा 0.2 न्यूटन। देखिए ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, जांच द्वारा सुनिश्चित कीजिए कि के ई स्क्वायर अपान जी यमी अपान यमी एमपी बीमाहीन है, भौतिक नियतांकों की सारणी देखकर इस अनुपात का मान ज्ञात कीजिए, यह अनुपात क्या बताता है। ठीक है, आइए देखिए, ये आपका क्या दिया हुआ है के ई स्क्वायर अपान जी एम ई एम पी। ठीक है, तो के यहां पर क्या है, यानी इसका हमें ये बताना है कि ये बीमाहीन है, यदि इनका कोई भी मात्रक ना मिले तो ये आपका क्या हो जाएंगे बीमाहीन राशि हो जाएंगे, बीमाहीन का मतलब मिच इनका कोई मात्रक नहीं होगा। तो आइए पहले हम लोग इन सभी का मात्रक निकालते हैं, के यहां पर नियतांक है तो के का मान हम लोग जानते हैं क्या होता है 1/4π ε0। ठीक है,
इनका मात्रक का मात्रक, इनका मात्रक क्या होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, ये इसका के का मात्रक हुआ। ठीक है, अब यहां पर ये क्या है, ये एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, तो यहां पर आवेश का मात्रक यानी ई का मात्रक, ई का मात्रक यानी ई क्या है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश है और आवेश का मात्रक क्या होगा, कूलाम। ठीक है, तो इसका ई का मात्रक हो गया। जी यहां पर क्या है, गुरुत्वाकर्षण है, तो इनका मात्रक यानी गुरुत्वाकर्षण का मात्रक जी का मात्रक, इनका मात्रक क्या होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम ऑफ होल स्क्वायर। ठीक है, ये Me क्या है, ये इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है और Mpa प्रोटॉन का द्रव्यमान है। ठीक है, तो कोई भी द्रव्यमान हो, किसी का भी द्रव्यमान हो, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम ही होता है, तो यहां पर यानी Me व Mp का मात्रक ये आपका क्या होगा, किलोग्राम होगा। ठीक, अब इन सभी मात्रक जो आपने निकाला है, इन सभी मात्रक को इसी में हम लोग क्या करेंगे, प्रतिस्थापित कर देंगे। ठीक है, तो ये आपको क्या मिलेगा, के ई स्क्वायर पान कैपिटल जी एम ई एम पी बराबर यहाँ पे के, के का मात्रक यहाँ देखिए हम लोगों ने क्या लिखा है, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान ये हो गया कूलाम स्क्वायर गुणे ई, यहाँ पर देखिए ई का मात्रक कूलाम है और ये आपका ई स्क्वायर है, तो ये आपका कितना हो जाएगा, कूलाम का होल स्क्वायर इनका अपान। अब आइए देखिए जी, जी का मात्रक यहाँ हम लोगों ने क्या लिखा है, न्यूटन न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान किलोग्राम ऑफ होल स्क्वायर, और ये इसका मात्रक यहाँ पे एम ई, इसका मात्रक हम लोगों ने किलोग्राम लिखा है और इसका भी मात्रक किलोग्राम। ठीक, तो ये कूलाम स्क्वायर से कूलाम स्क्वायर आपका कैंसिल हो गया। ठीक है, ये किलोग्राम पर किलोग्राम में मल्टीप्लाई होगा तो क्या मिलेगा, किलोग्राम स्क्वायर, और ये पूरे आपके कैंसिल हो गए। अच्छा, इनसे न्यूटन मीटर स्क्वायर से न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये पूरा आपका कैंसिल हो गया। ठीक है, तो इनका कोई मात्रक नहीं मिला। ठीक, कोई मात्रक नहीं, कोई मात्रक नहीं, अर्थात बीमाहीन राशि है। अर्थात क्या है, ये बीमाहीन। ठीक है, तो ये इनका हो गया। अब देखिए, अब इनका कहना क्या है, अब इनका कहना है कि भौतिक नियतांकों की सारणी देखकर इस अनुपात का मान ज्ञात कीजिए। तो आइए देखिए, अब हम लोग इनका मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, जीरो, ठीक, और इसका मान कितना होता है, 9 × 10⁻¹। ठीक है, ई एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश है और ई का मान कितना होता है, 1.6 × 10⁻¹⁹ का होल स्क्वायर इनका अपान। यहाँ पर जी, जी का मान कितना होगा, गुरुत्वाकर्षण 6.67 × 10⁻¹⁹। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, इनका होता है 9.1 × 10⁻³¹ किलोग्राम, और प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.67 × 10⁻²। ठीक, अब इसी को हम लोग सॉल्व करेंगे, सॉल्व आउट करेंगे तो ये मिलेगा 2.3 × 10⁻³¹. ठीक है, तो ये इस अनुपात का मान प्राप्त हुआ। अब इनका कहना क्या है, कहते हैं यह अनुपात क्या बताता है। ठीक है, तो यह अनुपात देखिएगा क्या बताता है, यह अनुपात इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों
इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों के बीच लगने वाले वैद्युत बल और पृथ्वीय बल के अनुपात को क्या करता है, लगने वाले बल को प्रदर्शित करता है।